अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक के जाके मैं आप सभी को खुश आमदीद। तो आज हम बनाने वाले हैं कॉर्न रोल सेजवान। तो कॉर्न रोल सेजवान बनाने के लिए आपको मैं बताता हूँ एकदम आसान और एकदम सही तरीका। तो बिना लेट किए हुए सबसे पहले देखो हमने कॉर्न ले लिया है। कॉर्न को हमने पहले बॉयल किया है, स्वीट कॉर्न को, उसके बाद में उसको हमने क्रश कर लिया है। तो ये एक क्वान्टिटी ऐसा है, उसमें हम डालते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा। ये थोड़ा सा जिनोमोटो वाइट पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर आपको देंगे और ये चिली फ्लेक्स होता है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल देते हैं, थोड़ा सा धनिया, इसको बढ़िया से। तो ये मेरा मिक्स हो गया है और अब तेल गरम करते हैं और उसको डाल के दिखाते हैं। तो ये पहले सबसे पहले आप पानी में इस तरह हाथ धुला लें, थोड़ा हाथ आपका गीला हो जाए ताकि चिपकने का डर ना रहे। फिर आपको इतना लेके के फ्राई कर लेना है। तो एक एक करके आपको इसी तरह रोल करके फ्राई कर लेना है। ये हमने टोटल डाल दिया, हमारा 6 पीस हमने रेडी कर दिया है। तो ये देखो ये मेरा हाथ धोन होके रेडी हो गया है। अभी थोड़ा पहले हम सॉस रेडी कर लेते हैं, उसके बाद में बस इसको थोड़ा गर्म करेंगे और आपको डालते हुए मिलाते हुए दिखाएंगे। तो ये हम पहले गैस चालू कर लेते हैं। पहले तेल डालते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, आगे डायरेक्ट आपको जो सॉस हमने बना रखा है सॉस को आपको इसके अंदर डाल देना है। गैस थोड़ा स्लो करते हैं। तो ये मेरा देखो सेजवान थोड़ा गर्म करते हैं। आपको डायरेक्ट सेजवान में थोड़ा ज़्यादा है आप कम करिए। धनिया पत्ता थोड़ा डाला, सारी धनिया डाल दिया, तो मेरा कॉर्न रेडी हो गया। तो आपको इसी के ऊपर लगा दूंगा। बोलो। तो ये मेरा कॉर्न सेजवान रोल तैयार हो गया, एकदम इजी और एकदम आसान तरीका। तो ये मेरा कॉर्न सेजवान रोल तैयार हो गया, एकदम आसान, एकदम बढ़िया और फिर एकदम चटपटा। तो आपको बनाना क्या है, सेजवान चटनी। सेजवान चटनी बनाने के लिए हमने आपको नहीं दिखाया, वो हम कोई अलग से उसको वीडियो बना के हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप देख लेना। नहीं तो ज़्यादातर लोग सेजवान चटनी बना भी लेते हैं और रेडीमेड भी खरीद लेते हैं। तो आप रेडीमेड भी चाहो तो खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेजवान रोल बस इसी तरह बनेगा आपको। आप एक बार बनाइए, ट्राई करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।